हे गाइस, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग्स। अभी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे के साथ, और आप देख सकते हैं यहाँ का मौसम। मम्मी से नहा लिया है अभी, और डब्बू के साथ बैठी हुई है, और यहाँ पे क्या कारीगरी चल रही है दो भाइयों के बीच में आपस में लड़ते हुए, कह रहे हैं कि ये मेरा कब्जा है, वो मेरा कब्जा है। अभी से लड़ाइयाँ स्टार्ट हो गई है इनके बीच में, देखो देखिएगा। बहुत ताकत लगाते हुए दोनों, ऐसा लग रहा है कि कोई दोनों एक ना जरूर गिरेगा, लेकिन चलो वहां से एक प्रेशर निकल रहा है यार। ये देखिए आप, सही में बना रहा था वीडियो। और अभी आप देख सकते हैं अभी हमारे डब्बू साहब, डब्बू क्या हाल है आपके? अरे यार इसमें तो कुछ नहीं है। और यहां पे घर का नजारा बेहतरीन, ब्लॉग होता था तो प्रेशर मार के फेंकता। और सभी ने नहा लिया है, लेकिन यार इधर से फेंकना चाहिए ना, इधर से नहीं खुल रहा है। यहां पे 3 गायें हैं, ये देखते हुए हमारी छुट्टियाँ। ए छुट्टू, इसको बड़ा मज़ा आता है ऐसे करने में। और हमारी बिल्ली वहाँ देखते हुए म्याऊं कर रही है। और आज का कार्यक्रम यह, आज पाठ है के साथ अभी घर पे थोड़ा लेपा लेपाई हुई है। अभी आपको मैं दिखाता हूँ आज का प्रोग्राम, ये देखिएगा। यहाँ पे ये 2 दरवाजों पे बस अभी सिर्फ पंडित जी का वेट हो रहा है, और जैसे ही पंडित जी आते हैं फिर हम आज की सफाई, आज की सफाई देखते हुए। आज बहुत मेहनत के साथ यहाँ पे मैंने झाड़ू लगाया है, आप देख सकते हैं। ब्लैक को साहब भी आराम से बैठा हुआ है ये। और अभी हम आपको कुछ आलसी लोगों से मिलवाते हैं जिन्होंने सुबह से नहाया तक नहीं है। अभी आप मिल सकते हैं हमारे बड़े भाई साहब से। सर आपने अभी तक नहाया नहीं है, घर पे आज पाठ है, पूजा है, थोड़ी मेहनत करीजिएगा। कल हम 2 बार नहा चुके हैं, अभी हम नहाएंगे। 2 बार नहा लिया तो मतलब क्या पानी कम पड़ गया गांव में? आज के दिन भी नहाना चाहिए। आज हमारी एक बिल्ली यहाँ पे सोती हुई म्याऊ। हाय गाइस, क्या हो गया? सो अभी हम इसमें एक नया देसी जुगाड़ लगाते हुए तार के साथ, धूप में लगेगा क्योंकि ये ना वाटर प्रेशर की वजह से फेंक और रहा है इसको। तो अभी हम इसमें ग्रिप बनाते हैं, हम इसको खींच रहे हैं तो ये नहीं खींच रहा है, और वाटर प्रेशर इतना तेज है कि वो इसको फेंक दे रहा है। हाँ, तो अब थोड़ा आगे की तरफ लगाओ ना सर, आप आगे एक यहाँ लगा ले, यहाँ लगा ले, 2-4 लगा ले, एक ही लगाओ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मोटर स्टार्ट होती हुई ये। अब दराती में पानी लगाया हुआ, धार लगाई हुई जा रही है। पंडित जी आना है, वे पहली बोटी जाना है, टाइम लगा लो। देखते हैं वहाँ पे बुआ धूप लगाते हुए गायों को, और आप देख सकते हैं पानी का प्रेशर। सो अभी हम मैं ये पकड़ता हुआ ऐसे करके, अब ये जॉइंट यहाँ से निकला हुआ है, पहले जॉइंट वहाँ से निकला हुआ था। तो कोहर हो रहा है, कर रहे हैं तो पहले नहीं कर रहा था ऐसे, नहीं तू धागा हटा दिया। राम राम जी। सुबह के 9:30 हो चुके हैं, और हम लोगों का जो काम चल रहा है वो लगातार यही चल रहा है कि ये जो मशीन आई थी ना, ये बार बार वाटर प्रेशर की वजह से बाहर फेंक दे रहे हैं। तो इसमें अभी दोनों तरफ से हम देसी जुगाड़ लगा कर इसको सेट कर रहे हैं। डब्बू ब्लैकी चाचा जी, चाचा सुबह से पंडित जी का इंतज़ार कर करके थक गए हैं। पंडित जी आने को तैयार नहीं है, उन्होंने 11 बजे का टाइम दिया है, तो अभी टाइम लगेगा। फिलहाल इस खेत को ना इसमें डालना था पानी, तो क्योंकि मटर होने वाली है, तो जब इसमें पानी डलेगा और तब जा कर के ये थोड़ा सा मटर सही तरीके से तोड़ने वाली हो जाएगी। ये हमारी छोटू, गौरी, गौरी कृष्णा सब लोग यहीं पर हैं। अब यहाँ पे हम कालिका मंदिर पहुँचते हैं। कालिका माता की जय। हाँ जी, तो हम लोग आए हुए थे मंदिर में, तो मंदिर की फिलहाल हमने सफाई कर दी है, ऑलमोस्ट डन। पंडित जी फिलहाल पूजा कर रहे हैं, ताऊ जी भी पूजा करने में लगे हुए हैं। ठीक है ताऊ जी, सही हो गया? बहुत ही बढ़िया करते हैं।
तो बस ऑलमोस्ट डन हो गया हमारा। ये डब्बू यहाँ पर बैठा हुआ है गेट पर, उधर स्कूल चल रहा है, और ब्लैकी बैठा है इस तरफ, वो नीचे देखो खेत में, और एक बैठा है यहाँ पर। वैसे चलो चलते हैं फिर, अभी थोड़ी देर में पंडित जी के साथ आएंगे वापस मंदिर में और पूजा पाठ करेंगे अपनी। अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर में, पंडित जी आ गए हैं, पंडित जी को मैं लेके आ गया था, अभी पाठ करना है। और देखो कुलदीप आगे चला गया, भरत पीछे, चाची लोग इधर जा रहे हैं, हम यहाँ से चलेंगे भूमिया मंदिर में, यहाँ से जाएंगे उधर से, ये वाले रास्ते से सिर्फ कुलदीप चल सकता है और कोई नहीं, या फिर मैं है कुलू, या फिर मैं, क्या देख रहा भाई, तुझे भी चढ़ना है इस वाले से? नहीं हमारे कोई बड़ी बात नहीं, ये देखो ये है पहाड़ों के रास्ते जहाँ से आपको चढ़ना पड़ेगा। बस यहाँ पर हो गई तैयारी पूजा पाठ की, ठीक है, आराम से चाची थी, थी। वहाँ से यहीं से आओ, तभी तो बोल रहा हूँ। अरे यहीं पर से आ जाओ, कोई बात नहीं, आराम से आओ, लेकिन सर पर ना टकराएं ऊपर। भगवति देवी कालरात्रि नमो तु ते दुर्गादिभिः च नमो नमः भगवती सांबसदाशिवाय च नमो नमः ध्याये नित्यं महेशं व्रजद्गिरिनिभं चारुचन्द्रावतं संरत्नाकलभुजलाङ्गं पशुमृगवराभीतिहर्षं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात्। तो अभी पूजा अभी की खत्म हो चुकी है, एक लाल और एक हरा, और हम भी हरे, और यहाँ पे भाई साहब हमारे सतरंगी कलरफुल रेनबो। पूजा चल रही है, पापा जी बैठे हैं, ये भी पूजा चल रही है। जय महादेव, महादेव, जय श्री शंभु, जय श्री शंकर, भगवान सभी पर कृपा बनाए रखे। भाई से हमारे फोन पे लगे हुए हैं, जय हनुमान, जय हनुमान, जय श्री राम, जय हो हनुमान जी की जय। बच्चों की छुट्टी होते हुए अभी हम लोग आ चुके हैं घर पर, अब घर पर होगी पूजा, ठीक है, और साथ में यहाँ पर बन रहा है खाना, ये बन रहा है पूरी, ये बाबा ले आना जो के चाची पाक कुकरा सब लोग बुआ बना रहे हैं पूरी, मम्मी चल रही है यहाँ पर, बाकी सब बैठ रहे हैं पूजा में, और इसमें बना रखा हलवा, ये देखो, ये सुबह गेहूं पीसे मोटे आटे का हलवा है, और ये हो गया, और साथ में इसमें है गोले, यो गौ कांसू, ओके, और ये है हमारे बड़ के लिए, मतलब इसका मेड़ जो बोलते हैं, मतलब के बुनियो मांस, महट, महट बोलते हैं इसको, महट पहाड़ी में। इसमें है चने, अनियार पट्टा हो रहा होगा, चलो कोई बात नहीं, ये खा लेते हैं हम फटाफट। घर पे कुछ पक्षी ना रोज आते हैं, ये हैं कबूतर, तो ये डेली आते हैं यहाँ पर, तो मैं इनको रोज इनको चावल दे देता हूँ, तो जो आस से आते हैं ना उनकी आसें नहीं तोड़नी चाहिए कभी भी हो। बस ऐसे ही मौसम अभी बिल्कुल बंद हो गया था, अभी हल्का फुल्का खुल गया है, ठंड शुरू हो गई थी बट अभी तो ठीक है, जैसे बंद हो रहा है ठंड हो जा रही है, और जैसे खुल रहा है फिर गर्मी हो जा रही है।
हाँ जी, खाना तो हम लोगों ने खा लिया है, उसके बाद कुछ काम तो करना ही है, क्योंकि खा करके पड़े रहेंगे तो फिर नींद भी आएगी। तो गांव में बहुत सारे काम होते हैं जैसे हम लोगों के पास, तो हम कुछ ना कुछ करने के लिए निकल गए हैं। कुलदीप सामने निकल गया, देखो उस तरफ, वहाँ उतनी दूर पहुँच गया। और यहाँ पर हम अभी प्लम वाले खेत में, और प्लम देखो कितने ज़्यादा सुंदर फूल लगे हुए हैं प्लम में, है ना, मस्त लग रहा है ना एकदम। तो बस चलो दिखाते हैं आपको हम लोग क्या क्या काम करने वाले हैं यहाँ पर। कुलू को देखो वहाँ पर, कल हम वैसे भी इस वाले रास्ते से आए थे, तो यहाँ पर से हमने कुछ लकड़ियाँ उठाई और फिर हम यहाँ से ऊपर वाले से गए, तो यहाँ पर ये बड़ा टफ रहता है वैसे सबके लिए जाना। तो स्पीकर वगैरह लेके आए हैं और इतनी सारी लकड़ियाँ यहाँ पर हैं, और जितने भी यहाँ सब हैं इनको सब निकालते हैं और फिर इनको जिस समय टाइम होगा उस समय उठा करके लेके जाएंगे, हो सकता है शाम को ले जाएं। ठीक है, चलो फिर काम करते हैं शुरू। गाइस पंडित जी चले गए थे और रात भी हो गई थी, और वो ब्लॉग फिर हमने फिर खाना वगैरह खाया, फिर हम लोग सो गए क्योंकि बहुत ज़्यादा थके हुए थे। और उससे पहले दिन का जो ब्लॉग था ना घोड़ाखाल मंदिर वाला, वो ब्लॉग हमारा क्या हुआ कि डिलीट हो गया, फ़ोन सपोर्ट नहीं कर रहा था गोप्रो को, तो हमने जैसे लैपटॉप पे ले रहे थे तो पहले दिन कर रहे थे कुछ ना कुछ, तो वो डिलीट हो गया पूरी तरीके से। तो अब आपको घोड़ाखाल वाला ब्लॉग शॉर्ट में ही देखने को मिलेगा, जो आप लोगों ने देख लिया होगा, और रील में देखने को मिल जाएगा जो भी रहा वहाँ पर। तो बस इस ब्लॉग को यहीं पर रखते हैं, आगे को मज़ेदार ब्लॉग आने वाले हैं। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी, पसंद आई तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर कीप वॉचिंग, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।